गुड थिंग, आज हो सकता है अच्छे व्यूअर्स आए। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 30 व्यूअर्स, मे बी 35 इफ वी कैन गेट दैट, एंड प्ले बैक्स नॉट एक बार में व्यूअर्स, एंड इफ वी कैन गेट टू 10 लाइक्स ऑन द स्ट्रीम टुडे दैट विल बी रियली अमेजिंग। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग चलाने वाले हैं, जैसे हम आते हैं और पूरा निफ्टी रिव्यू करते हैं हर बार, आज हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब सारे निफ्टी के स्टॉक्स करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो दो तीन सेशंस खिंच जाता है और फिर मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाता है और तुम लोगों को भी इतना मज़ा नहीं आता होगा। आई डोंट थिंक दैट। तो फिर आज का हम क्या करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे एंड हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो सारे टॉप गेनर्स हैं 5 और टॉप लूजर्स जो हैं 5, इनको रिव्यू करेंगे। तो इससे हमें कल के लिए बाइंग और शॉर्टिंग कैंडिडेट्स मोर और लेस पता चल जाएंगे। ऑल्सो इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा यहाँ पर मोस्ट एक्टिव में, तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो हम आज के बाद ऐसा चले करेंगे, और वीकेंड्स पे हम ऐसा कर सकते हैं कि निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी 50 स्टॉक्स रिव्यू करें। तो दैट विल बी द प्लान गोइंग फॉरवर्ड। आज आई थिंक मैं 2 मिनट जल्दी आ गया हूँ स्ट्रीम पे, इसलिए कोई नहीं आया। ऐसा है क्या यार, तुम लोगों ने आई थिंक नोटिफिकेशंस ही ऑन करे हुए होंगे। चलो दैट्स बिसाइड द पॉइंट, बिसाइड्स द पॉइंट। ये अकाउंट, ये मैं अपने रिव्यू कर रहा था अभी। तो ये वाला अकाउंट है, यहाँ जनवरी में शुरू हुआ है और जनवरी से अब तक आई हैव हैड 3 लॉस मेकिंग डेज। ये स्विंग है, मैं इंट्राडे काफ़ी कम करता हूँ, कभी कभी अपॉर्चुनिटी लगे तो देखी जाएगी, बट ओनली 3 रेड डेज, बाकी थोड़े बहुत ग्रीन डेज, बाकी सारा रिलैक्स। तो तुम देख रहे हो कि मेरा ट्रेड्स जो होते हैं वो खुलते हैं और फिर लंबे चलते हैं मोस्टली। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन डेज पे ट्रेड्स में नहीं हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम इन द ट्रेड्स, बट होपफुली लॉस नहीं बना रही हूँ। ये जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो मोस्टली डीप रेड डेज होते हैं, तो बाकी सारे हल्के 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 ग्रीन, बट एक्यूरेसी इज मोर। इस अकाउंट का सिस्टम वैसे चलता है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट है जो टाटा मोटर्स को हमने निचोड़ निचोड़ के किया था, बाकी सारे छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, ऐसे ऐसे करके सिचुएशन चल रही है 2000। तो मोस्ट सिनेरियोज में लॉसेस आर स्मॉल, बट कुछ कुछ में थोड़े वाइड भी हैं। इनमें मेरे टारगेट्स बहुत बड़े थे क्योंकि, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल। 1300, ये तो चलो घुसे निकल लिए वैसे टाइप का हो गया होगा। छोटा 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 छोटा, ये छोटा नहीं, सॉरी, ये ठीक है, 1700 इज फाइन। मोस्टली जो बहुत छोटे लॉसेस हैं वहाँ पे क्या है कि मेरे को कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो मैंने जल्दी से स्विच कर लिया, वरना ये जो स्विंग में लॉस बने हैं ये हैं 1000, 1500, 1000, 1500। तो वी स्ट्राइव टू अटेन गेन्स लाइक दीज। ऐसे ही एक दो भी आ जाते हैं तो वो हमारा ओवरऑल पूरा बूम कर देते हैं सिचुएशन को। ऑल्सो ये जो मेरा 21,000 प्रॉफिट है, ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास होना चाहिए था, बट लेट एग्जिट की वजह से, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट बनने का, मैं इसको ब्रीदिंग रूम ज़्यादा देर था, इट हिट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, तो इसलिए ऐसा करके हो गया। और ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, मल्टीपल टाइम्स इसमें ट्रेड ली गई है। चलो गाइज, इफ़ यू हैव एनी स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन अभी तुम यहाँ पूछ सकते हो जल्दी चाहे तो, जिससे पहले कि हम आने वाले आज के टॉप 10 स्टॉक्स रिव्यू करें। चलो लगता है कोई नहीं पूछ रहा, तो टॉप 10 स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे करके चलेंगे, एक टॉप गेनर एक टॉप लूजर, तो थोड़ा बोरिंग नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अडानी पोर्ट्स। इसको बंद कर देते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अडानी पोर्ट डेली कैंडल्स पे लुक्स बुलिश, आज ही इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इफ़ वी कैन गेट इट नियर दिस लेवल दैट विल बी अ गुड बाय। मतलब मेरे ख्याल से ये दो लाइनें बन गई हैं फॉर सम रीजन, एक हटाते हैं। तो इफ यू कैन गेट इट अराउंड दीज लेवल्स इट इज गुड बाय। और ऑन द अदर साइड तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, इसका प्रॉफिट
कल ही अगर इसका ब्रेकआउट भी आ जाता है तो दैट्स फैंटास्टिक, धीरे धीरे करके यू कैन पिरामिड इन टू इट। द वॉल्यूम इज़ फैंटास्टिक, और आज इतना जो कंसोलिडेशन वाला डे था इट इज़ फाइन। बट अडानी के कंपनीज को ट्रेड करने के लिए तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो स्टॉप लॉसेज हैव टू बी वाइड बिकॉज वॉलेटाइल होते हैं थोड़े ज़्यादा ही, मतलब, और कई बार इलॉजिकल, इंट्राडे में इलॉजिकल मूव्स भी होते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इफ़ यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग रन में, अगर तुम हाई वो लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेट टाइप की बना रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस ये वाली ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलना चाहिए। ऑल्सो यू शुड वेट अ बिट के थोड़ा इसके आसपास खरीदो, फिर यू कैन होल्ड ऑन टू इट। ये ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉप लॉस चलाओ और इसके ब्रेक डाउन का वेट करो ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन होता है यू गेट आउट ऑफ इट। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि हमने इस चैनल को अभी ब्रेक कर दिया है, तो अगर इफ देयर इज फॉलो अप ऑन द अपसाइड टुमारो, दिस कुड गिव यू अ मैसिव रैली। स्कैल्पर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वो चीज़ बहुत अमेजिंग हो सकती है, हो सकता है एकदम ही लीनियर मूव दे दे। तो निफ्टी का साथ कल रहा है बाई चांस, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर दिस। ये थोड़ी कम इज्जतदार ट्रेंड लाइन है तो हटा रहने देते हैं इसको। तो बहुत ही सुंदर सुशील सा सेटअप बनते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली ट्रेडेबल। अगर कल खुदा ना खास्ता अच्छी वॉल्यूम मेंटेन हो गई और इसको तोड़ दिया तो अच्छा मूव आ सकता है, बट देन अगेन वेरी वॉलेटाइल हो सकता है, तो फिर थोड़ा सोच समझ के जांच के ट्रेड लें। मेरी आवाज़ आज इतनी बोर्ड और इतनी थकीली। हाय देवेश, व्हाई डोंट यू यूज़ RSI/EMA क्रॉसओवर्स? देवेश, आई डोंट, और एनी अदर इंडिकेटर्स? देवेश, आई यूज़ इंडिकेटर्स बट आई डू नॉट एंटर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स। मेरा एक इंट्राडे में मैं इंडिकेटर, मेरे को वैसे प्राइस एक्शन बहुत कंफर्टेबल लगता है। वत्सला सेज हे आई एम हियर, हाय वत्सला, हाउ आर यू डूइंग? एक सेकंड देवेश, आई एम आंसरिंग। वत्सला मेरी दोस्त है, हैव कॉफी। अरे यार, वो कल थोड़ा ना पार्टी ज़्यादा हो गया, तो वैसे तो आई डोंट पार्टी अलॉट बट कल थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मजा पड़ा है सीन। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अच्छा, तो देवेश का क्वेश्चन अच्छे जान सकता हूँ। मेरे को इंडिकेटर्स के बेसिस पे, मतलब मेरे को वैसे साइकोलॉजी समझनी स्टॉक की बेटर लगती है, क्योंकि ओवर टाइम आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द स्टफ, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर बेस्ड यूज़ करे हैं, बट जो स्टॉक की कहानी ऐसे नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स बता पाते हैं मेरे को, वैसे मेरे को ऐसे कोई इंडिकेटर नहीं बता पाता। इंडिकेटर इज़ लाइक के हाँ भाई बाय कर ले, हाँ भाई बेच दे, बट यहाँ पर मैं एक्चुअल अपनी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता हूँ। जब इंडिकेटर्स मैं कब यूज़ करता हूँ मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं वीकली। अब जैसे वीकली में इतना ज़्यादा भाग गया, मैं यहाँ पर इंडिकेटर लगाऊंगा RSI। तो RSI से अब मैं क्या डिटरमाइन करूँगा कि इफ वी आर इन दी, मतलब यहाँ से मैं ये देखूंगा कि इफ वी हैव अ बुलिश टोन तो ये बुलिश टोन अभी मेंटेनेबल है या नहीं। मतलब इफ ट्रेडिंग इज इट ट्रेडिंग इट इज एब्सोल्यूटली रिस्की, इफ दी RSI इज एट द टॉप, बेसिकली 80 टच कर रही है, इसके इस लेवल के ऊपर भी ठीक है क्योंकि बहुत बुलिश है हम, बट इफ इट्स एट द टॉप, मतलब एकदम ही 80 RSI हो रखी है, तो फिर आई विल टर्न अ बिट कॉशियस। मैं अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दूंगा ट्रेडिंग की, मेरे ट्रेडिंग में कुछ फर्क नहीं आएगा, बस जो मैं 1000 क्वांटिटी ले रहा था वहाँ मैं 250 या मैक्सिमम 500 क्वांटिटी लूंगा। तो इंडिकेटर्स मेरी ट्रेडिंग को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी मेरे को एक इंट्राडे यूज़ कर लेता हूँ मैं कई बार, जैसे अब निफ्टी का निफ्टी रहने देते हैं, इसमें कोई स्टॉक देखते हैं, जैसे आज ले लेते हैं रिलायंस, आज अच्छा चल रहा था। तो अब मैं इंट्राडे जो ट्रेडिंग करता हूँ उसमें भी आई डोंट यूज़ द इंडिकेटर कि उसके ऊपर है तो बाय, उसके नीचे है तो सेल, बट उससे मैं क्लैरिटी ले आता हूँ थोड़ी। जैसे ये मेरा एक टाइप का सेटअप है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बैक टेस्ट इट, ये मैं यूज़ करता हूँ। तो बहुत सिंपल सेटअप है, 15 मिनट कैंडल, VWAP बस। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये VWAP जो है मेरे को ये बताता है कि अब मेरे को लॉन्ग पोजीशन ढूंढनी है या शॉर्ट पोजीशन ढूंढनी है। तो उसके लिए भी देयर इज अ सेग्रीगेशन, देयर
जैसे पहले मैं डेली पे गया, इफ द चार्ट इज एब्सोल्युटली बुलिश, मतलब बुलिश है चार्ट, और इंट्राडे में इफ वी हैव क्रॉस्ड ओवर द वी वैप, फिर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे सोचूंगा कि बाय करना है. इफ इंट्राडे सेटअप में इट इज शोइंग अ सेल सिग्नल वी वैप, बट ऑन द अदर एंड क्या कहते हैं, वन डे कैंडल्स पे इफ यू आर बुलिश, देन आई वोंट टेक अ ट्रेड जब तक वी वैप के ऊपर नहीं आते, और शॉर्ट नहीं करूंगा उसको. तो मेरे को ये ट्रेड इंडिकेटर्स जो है ट्रेड सेग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब आई कैन अवॉइड ट्रेड यूजिंग दीज, आई डोंट ट्रेड यूजिंग दीज. तो मेरे को वो चीज़ इन इंडिकेटर्स की अच्छी लगती है. वॉल्यूम प्रोफाइल तो सब सभी देख लेते हैं. ओके, आई होप दैट हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन. काफी डिटेल में चला गया मैं. और गाइस, आज का गोल है 10 लाइक्स, तो अभी तक एक है, तो इसको 10 पहुंचाना है. तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दोस्तों को लाओ, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से लाइक करो. अगर तुम नहीं करते तो फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं ये से 10 अकाउंट बना के लाइक करूंगा. तो ऐसा ना करना पड़े मुझे, उसके लिए सिंपथी लाइक्स दो. तो फिर अभी अडानी पोर्ट्स का हमने स्टॉक रिव्यू करा, इट लुक्स वेरी गुड. एक चैनल ट्रेड कर रहे थे हम काफी टाइम से, और उसका ब्रेकआउट आया, तो द एस्केलेशन कुड बी सुपर, बट देन अगेन इट इज वो वाला वेरी वॉलेटाइल, मतलब हाई बीटा टाइप का स्टॉक है. तो फिर फॉर द स्विंग प्लेयर्स, या तो तुम इसके चैनल के इसमें क्या कहते हैं, चैनल के टॉप के आसपास खरीदो इफ इट कम्स डाउन, एंड योर स्टॉप लॉस शुड बी दिस, ये जो ब्रेकआउट हुआ है. तो ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस है. तुम चाहो तो थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो, अराउंड 600 का लेवल. एक सेकंड, लेट मी एडजस्ट माई कैम अ बिट. अराउंड 600 का लेवल भी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा. बट इंट्राडे ट्रेडर्स हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस विल बी वाइड इंट्राडे में भी. देन अगेन टारगेट्स बड़े आने के भी चांसेस ज्यादा हैं, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, सोच समझ कर ट्रेड करना. अडानी पोर्ट हो गया, अब एक टॉप लूजर देख लेते हैं, आईटीसी. टू बी फेयर, मेरे को बता देना चाहिए आईटीसी मेरे पोर्टफोलियो में है, काफी अच्छे प्रॉफिट में था, आज सारा चूज गया, बट आई एम होल्डिंग ऑन टू इट बिकॉज मेरा शॉर्ट टर्म पोजिशन नहीं है. आई स्टिल हैव अ स्टॉप लॉस, बट इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, तो ठीक है. ऑल्सो आई हैव गॉट, मतलब 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करना, सोने पे सुहागा टाइप का है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. अब मैं तुम्हें आईटीसी का सेटअप बता देता हूँ, जिस बेसिस पे मैं इसमें बरकरार हूँ. तो एज लॉन्ग एज वी डू नॉट ब्रेक डाउन बिलो दिस ट्रेंड लाइन, आई एम इन दिस पोजिशन. और अगर मुझे फिर भी वहाँ पर कुछ लग रहा होगा कि ठीक है, इसको एक लास्ट ब्रेथ देनी चाहिए, तो 200 का लेवल, अगर डेली क्लोजिंग बिलो 200 आती है, आई विल गेट आउट. इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द करंट प्राइस, ट्रस्ट मी, बट आई कैन अफोर्ड टू लूज दैट मच, क्योंकि ये मेरे आईटीसी में टारगेट्स बहुत बड़े हैं, मतलब मैंने बहुत लालच करके खरीदा है स्टॉक, तो आई कैन अफोर्ड टू लूज आउट दैट मच. ये इसके लिए एक वो था, पहले रेजिस्टेंस था, जो ब्रेकआउट मिला तो अच्छा मूव आया अपवर्ड्स. मेरी ट्रेडिंग वाली क्वांटिटी तो मैंने यहाँ कहीं निकाल, ये जो ब्रेकडाउन है इसके ब्रेकडाउन में निकाली है, तो कुछ खास तो नहीं मिला, बट थोड़ा बहुत मिल लिया. नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत मिला था, यहाँ कहीं निकला हूँ मैं इसके ब्रेकडाउन में. हाँ, तो 236 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था मुझे, बट मेरी जो इन्वेस्टिंग स्लैश लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाली क्वांटिटी है, दैट आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू. इसके ब्रेकडाउन पे आई वॉज प्लानिंग टू गेट आउट, बट देन अगेन 200 का लेवल तो एक बार देखना बनता है. ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी एडिंग क्वांटिटी हेयर इफ आई गेट दीज लेवल्स फॉर द लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा एवरेज अच्छा हो जाएगा, एंड टारगेट्स आर ह्यूज, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म पिक, ये ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से नहीं है. ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से तुम्हें बता देता हूँ, एक ये क्या बन गया, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जो अभी करंट लेवल है, दिस इज अ सपोर्ट एंड देन दिस इज अ सपोर्ट. ये जो रेंज है इसके ब्रेकडाउन आता है, यू शॉर्ट इट. मैं हो सकता है इसको यहाँ पर शॉर्ट करूँ स्विंग इंट्राडे कुछ में भी, एंड देन उस प्रॉफिट से यहाँ जाके दोबारा एवरेज कर लूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ट्रेडिंग हो सकता है मैं इसमें करूँ. तुम इसको ऑप्शंस की तरह भी, ऑप्शन से भी प्ले कर सकते हो. इफ़ यू आर होल्डिंग क्वांटिटी इन कैश, तो तुम कैश कवर्ड कॉल्स, हाँ कैश कवर्ड कॉल्स बेच सकते हो.
तुम्हें ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या होता है नहीं पता तो फिर पूछना। RSI 70-30 इज प्रेफरेबल और 80-20 पर्सनल ओपिनियन। जैसे मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो 80-20 कर लो। मतलब मैं ऐसे नहीं देखता, मैंने बताया ना कि अगर बहुत ज़्यादा हाई है उन लेवल्स पे कभी पहुंचा नहीं है तो वैसे करके देखता हूँ। बट हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश मार्केट है 80-20 कर लो, इफ इट्स अ कंसोलिडेटिंग मार्केट 70-30 इज फाइन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके इंडिकेटर के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे कोई ATR है, ADX है, ये इंडिकेटर्स हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है। बेसिकली इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो क्या होती है, और उस डेफिनेशन में से डाइव इन डीप, तो फिर तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि उस इंडिकेटर का एग्जैक्ट काम क्या होता है, वो क्या बताता है। और जब वो बताने लगेगा ना, तुम ऐसे अंदर की कहानी जान पाओगे स्टॉक की। तो फिर अगर तुम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, तुम्हें वैसे उसके बारे में सोचना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई 70 के ऊपर है तो फिर इट्स अ डेफिनेट बाय, 30 के नीचे है तो बेच खाएंगे। ऐसे मत सोचो, थोड़ा उसके बारे में पढ़ो कि वो क्या होता है, क्या करता है, और थोड़ा ओपन माइंड से उसको इंडिकेटर को देखकर समझकर फिर स्टॉक में लगाया करो, तो उससे तुम्हारी ट्रेडिंग डेफिनेटली बेटर हो पाएगी। इंडिकेटर्स हेल्पिंग के लिए अच्छे हैं। तो ITC अभी करंटली सपोर्ट रेंज में है, ब्रेक डाउन पे शॉर्ट करना है, नीचे से उठा लेंगे, नीचे से ब्रेक डाउन आता स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर पे लेंगे। तो अभी तो काफ़ी टाइम है ये सब होने में, तो अभी के लिए तो इसको, ये पहले का भी एक सपोर्ट लेवल है तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं। यहाँ कहीं भी सपोर्ट आ सकता है, ये पूरी रेंज सी बनी हुई है तो पूरा हॉच पॉच सिचुएशन है, थोड़ा सोच समझ के इंट्राडे में ही शॉर्टिंग करनी पड़ेगी। चलो ITC भी देख लिया, आगे चलते हैं। ICICI बैंक, चलो आई होप मेरा ये क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया अभी, ये क्या हुआ, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। हाँ, ये मेरे को थम्स अप मिल गया तो मैं थम्स अप देख के सेटिस्फाइड हूँ। ओके गाइस, वी हैव रीच्ड 4 लाइक्स फॉर दिस वीडियो, दैट इज अमेजिंग। सिर्फ 17 मिनट में 4 लाइक्स तक पहुँच चुके हैं, तो अब ये देख के लग रहा है कि 10 पहुँचना मुश्किल नहीं है। तो लेट्स एम फॉर 10 लाइक्स, लेट्स एम, क्या एम किया हुआ। ओ ICICI, वाओ नाइस। सो मैं तुम्हें इसकी पहले से कहानी जो चल रही है समझा देता हूँ। ये अडानी पोर्ट्स में भी अभी ऐसा टाइप का सेटअप बना, तो जो मैं तुम्हें वहां बता रहा था वो तुम्हें यहाँ दिखेगा कि हो क्या सकता है आने वाले टाइम पे। तो ये एक रेंज थी, इसका ब्रेकआउट आया एट कॉट मोमेंटम, तो यूजुअली ऐसा होता है मोमेंटम कैच होता है। फिर अब यहाँ पर ये एक न्यू ट्रेंड लाइन इज बीइंग फॉर्म्ड। इसको चलो ये ना तुम्हें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखने चाहिए। तो जैसे अभी करंट ट्रेंड लाइन बनी है, इसको चलो एक्सटेंड करके देखते हैं, तो इससे हमें कुछ देखने को मिलता है पास्ट में। एक सेकेंड, मैं ये पुरानी वाली रेंज की कैंडल हटा रहा हूँ जस्ट सो वी कैन ऑब्जर्व बेटर। तो ऐसे इस स्टॉक्स की एनालिसिस करते हुए हम कुछ नया सीख पाए, दैट इज ग्रेट राइट। एक सेकेंड, आई नीड टू एडजस्ट दिस अ बिट। तो एक जो कभी एक पुराने जमाने में ट्रेंड लाइन बनी थी, ये मतलब किसी ने कभी बनाई होगी इंट्राडे में, इंट्राडे कह रहा हूँ, किसी ने कभी बनाई होगी ICICI की, चलो यार ये कब से कंसोलिडेट कर रहा है, इस बार तो तोड़ दे। तो उसने बनाई, फिर ये जो लाइन है ये ऐसे रेंज का काम करी, पहले रेजिस्टेंस रेंज बनी, फिर अब उसका ब्रेकआउट आया तो हम उस पर सपोर्ट ले रहे हैं। तो गाइज, यू सी द पावर ऑफ जस्ट अ लाइन मार्केट में। मान लो अगर, मतलब ठीक है, वहां पर जो पीछे वाले ये लेवल्स हैं, यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि ऐसे रेंज बन जाएगा वट एवर, बट इफ समवन हैड एक्सटेंडेड दिस, तो फिर यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। तो इसको यहाँ पर तो आई वोंट से कि इज्जतदार है, बट वंस यहाँ पर जो ये रेजिस्ट किया एंड केम डाउन, तो यहाँ पर वी शुड हैव रियलाइज्ड यहाँ से एक्सटेंशन बन जाता, और फिर ये ब्रेकआउट के ऊपर कुड हैव बीन बॉट। मैंने भी तब रियलाइज नहीं किया, तो ये मेरी साइड पे भी गलती है, और आई एम प्रिटी श्योर ज़्यादा लोगों ने नहीं किया होगा, जिन्होंने किया होगा दे वुड हैव मेंटेड ये पूरा।
तो अभी ये रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है एंड वी आर सपोर्टिंग इट नाउ। तो अब सपोर्ट आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और एक ये छोटा सा ब्रेकआउट जो 2-3 दिन का कचड़ा कंसोलिडेशन था उसका भी आ चुका है। तो अब इफ देयर इज अ फॉलो अप टुमारो इट इज अ डेफिनेट बाय फॉर इंट्राडे स्विंग, छोटा स्विंग टाइप का प्लेयर। लॉन्ग टर्म में इस ट्रेंड लाइन जो ये सपोर्ट का काम कर रही है, अब इसके आसपास उठाओ और इसके साथ ही राइड करते जाओ। यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक 7-3 वाला सुपर ट्रेंड जो होता है, 7-3 वाला है 10-3 वाला है। आई जस्ट बैक टेस्ट देम एंड टेल इट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मेरे को अच्छे से याद नहीं है सॉरी। तो उनके बेसिस पे भी ट्रेलिंग हो सकती है, नहीं तो ऐसे क्लियर कट सीधा सीधा ट्रेल करते चलो जैसे मैं करता हूँ। वो ठीक है, मिल गया नहीं मिला, अब जितना मिला बहुत अच्छी बात है, ऐसे वाला सिचुएशन होती है। अब इसको पास्ट डेटा को देखते हैं, कभी ये इन लेवल्स पे था तो अच्छा, ओके ऑल टाइम हाईस पे, नेवर माइंड। तो ये काफ़ी सही एक सेटअप बना, इस इट इज़ वेरी मच ट्रेडेबल। सो अपने सेटअप्स लगाओ, जहाँ एंट्री बनती है बना सकते हो। आई डिड 3 ऑफ देम, बट चला, थैंक यू सो मच गाइज। बदतमीजी है तो मतलब 5 लोग देख रहे हैं एंड उसमें से 3 लाइक्स वत्सला ने किए हैं। गाइज वेयर आर माई सिंपथी लाइक्स? चलो वट एवर, बकवास बाद में करेंगे। गेल चलो, गेल ने इंट्राडे में फुल ऑन पलटी लगाई है, इंट्राडे में मतलब आज के दिन में। तो अब इससे ये एस्टैब्लिश हो गई है एक लाइन, इसकी इज्जत एक बार हो चुकी है और ये एक चैनल बनते हैं, फॉर्म हो रहा है। कल इसका ब्रेकडाउन आएगा, इट इज़ अ डेफिनेट शॉट, बेच खाना, शर्माना मत। अगर यहाँ से रिकवर करने लगता है वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस ऊपर वाली लाइन। इसके ब्रेकआउट में दिस स्टॉक कैन बी बॉट। तो एक बहुत अच्छा हमें स्टॉक मिल गया जो कल मतलब मंडे को दोनों तरफ का मूव देना पॉसिबल है, मतलब आइदर वेट कैन मूव। तो इंट्राडे लेवल्स में तुम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो और ये तुम्हारा टारगेट होगा इनिशियली, बट द बेटर वे इज टू ट्रेल इट। और ट्रेल करते करते जितना मिल रहा है भगवान दे रहा है, स्टॉक मार्केट दे रही है, लेते रहो। तो ठीक है, इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, 5 रुपये का है, यहाँ तक आ सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फर्दर ये लेवल पॉसिबल है, ये इंट्राडे की बात नहीं हो रही, और फिर ये भी पॉसिबल है। बट अभी के लिए इस रेंज में है तो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। ब्रेकआउट आता है तो इन लेवल्स के लिए वील एम, ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलते हुए हो सकता है वहाँ तक भी पहुँच जाए। उसका ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली अमेजिंग हो जाएगा ये। तो फिर दैट बीइंग सेड, ये कुछ देख रहा हूँ मैं, तो ये जो पहले का यहाँ से रेजिस्टेंस बन गया था, चलो ठीक है, दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो हाँ, मंडे को वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर गेल, हो सकता है इसी के अंदर कचड़ा मचाता रहे, हो सकता है दोनों साइड पे विक्स बनाए। वी हैव टू बी पेशेंट। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर तुम या फिर वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ तुम देखो तो दैट विल बी बेटर। और यहाँ वॉल्यूम्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है, अभी अभी नोट आउट किया मैंने। तो यू माइट नॉट थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट वॉल्यूम्स हैव बीन फॉलिंग एंड द स्टॉक हैज बीन राइजिंग। तो आइदर वी नीड अ ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट नाउ या फिर ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो ये एक चीज़ है, तो तुम्हें थोड़े एक्सपीरियंस के बाद 2-4 बार देखोगे, 10 बार देखोगे तो तुम ऐसी इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हो। बट राइजिंग प्राइस, फॉलिंग वॉल्यूम, इसका कुछ तो मतलब होता है। तो बड़ा सडनली दिखा, अच्छी बात है, देख गया। तो फिर गेल का भी एनालिसिस हो चुका है, आगे देखते हैं अब। ओके, वी आर एट 11 व्यूअर्स नाउ, 11 प्लेबैक्स एंड कॉन्करेंट व्यूअर्स आर 4, दैट इज अमेजिंग गाइस। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सबको ट्रेडिंग का एबीस मतलब सबको एटलीस्ट अपना मनी ग्रो करने के बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होती तो फिर एनीवेज इन्फ्लेशन पैसे को खा जाता है, तुम कितनी भी सेविंग कर लो इट विल नेवर बी इनफ। और द नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक, चलो बैंक बीज उठवाया था दोस्तों से, अच्छा हुआ।
वही नेपाल का फ्लैग बनते हुए दिख रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, नेपाल का फ्लैग बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी मार्केट में। तो ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट एंड लुकिंग एट द पास्ट डेटा। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक बार ये फॉल्स ब्रेकआउट देके मस्त सेल ऑफ कर चुका है। तो वहाँ पर लोगों के बहुत, आई एम प्रेटी श्योर, बहुत अच्छे से स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। तो यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ 767 का लेवल, देन यू इनिशिएट योर लॉन्ग्स। इनिशियली स्टॉप लॉस विल बी दिस विच इज 751, बट इट हैज़ टू बी ट्रेड एज सून एज पॉसिबल टू 767। इफ यू गेट अ डिसेंट ब्रेकआउट, मतलब बहुत अच्छा प्राइस स्पाइक आए वहाँ से विद डिसेंट वॉल्यूम्स, तो जल्दी से ट्रेल कर लेना, वरना वेट फॉर द डे टू क्लोज, उसके बाद ट्रेल कर लेना। लुक्स गुड ऑन चार्ट्स। एक ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन इज इम्पॉर्टेंट, तो इसको तुम अपने सिस्टम में बनाओ और इसके साथ चलते रहो। जब भी डेली क्लोज इसके नीचे आए तो लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म इज नॉट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग की बात चलती है, तब एग्जिट हो जाएगा। बट इट इज लाइक क्लियर कट ब्रेकआउट पे है अभी। एक ये एक और चीज जो हमने पहले डिस्कस की थी, चैनल श्रिंकेज एंड देन अ मैस ब्यूटिफुल ब्रेकआउट, तो इसमें ये भी है। हम मीडियम टाइम फ्रेम, मतलब इफ यू वॉन्ट टू टेक इट फॉर अ स्विंग, और तुम्हारा कर करके इफ यू वॉन्ट अ वाइड स्टॉप लॉस, तो फिर यहाँ पे इसके साथ भी तुम ट्रेलिंग कर सकते हो। बट उसके बाद यही वाली ट्रेंड लाइन आ जाती है जो हमारी लॉन्ग टर्म है, तो फिर वो वाली का यूज हो जाएगा। अगर इसमें ये जो मैंने थोड़ा मिक्सअप सा कर दिया बोलते बोलते, इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो गाइस, आई होप आ गया, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू ड्रॉप देम डाउन हियर। चलो एक्सिस बैंक भी अब हमने पढ़ लिख लिया है, इसके आगे चलते हैं। तो दिस वाज द थर्ड टॉप गेनर, राइट? नाउ आई हैव टू डू अ टॉप लूजर। कौन है लूजर भाई? सन फार्मा, दैट्स अनएक्सपेक्टेड, आज मैंने वॉच लिस्ट में नहीं रखा इसको। ऑल्सो गाइज, माई माइक इज अबाउट टू ब्रेक, लाइक इट्स ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो फिर सजेस्ट मी अ डिसेंट माइक फॉर मे बी अ बिगिनर यूट्यूबर टाइप का सिचुएशन। अगर तुम्हें कोई आइडिया है सजेस्ट करना, मुझे ले लेंगे जब ये टूटता है। तो दिस इज अ सपोर्ट रेंज नाउ, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है, ये अक्यूमुलेशन जोन है जिससे हम एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ तक भी अक्यूमुलेट कर सकते हो, अ बिट वाइड, बट हाँ इट लुक्स गुड। फार्मा एनी वेज इज गुड राइट नाउ, तो इट कैन बी अक्यूमुलेटेड। योर स्टॉप लॉस विल बी दिस, आई होप द रिजल्ट्स एंड ऑल आर नॉट बैड। तो अगर वैसा सिनेरियो है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट सेल ऑफ तो मतलब वियर्ड है। यू कैन अक्यूमुलेट इन दिस एंड एक्सपेक्ट अ राउंडिंग पैटर्न। अगर क्लियर कट ऐसे कली फॉल आ जाती है, डोंट एंटर दिस ट्रेड। बट इफ इट सस्टेन्स दिस लेवल, अगर तुम्हें कल दिख रहा है सस्टेन होते हुए, देन ओनली लुक इन टू बाइंग दिस। ये आने वाले टाइम पे रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और फर्दर ब्रेकआउट इज पॉसिबल। अभी आज बेयरली एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनते बनते बच गई है, थोड़ा सा सपोर्ट ही है। अगर आज ही यहाँ तक हम टूट जाते तो फिर तो टूट ही जाते। आज वीक का आखिरी दिन है, राइट? ओके, तो अगर वीकली कैंडल इट्स ओके, मतलब ठीक है, ऐसे टाइप की सिचुएशन इज पॉसिबल, तो वी हैव टू स्टे कॉशियस। अगर तुम्हें वीकली में लेना है इसको, वीकली लेवल्स के हिसाब से, तो एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी छाप लो यहाँ पे और इसका स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। बाकी इट्स नॉट दैट बैड, आज का सेल ऑफ मेरे को रीजन नहीं पता अभी तक। ये एक ऐसे टाइप का चैनल भी फॉर्म हो गया है ये करते करते, तो अब इसके आसपास मिलता है तो वहाँ जो लेवल्स पहले बताए थे उनके आसपास यू कैन अक्यूमुलेट। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन विल बी अ स्टॉप लॉस और इसका ब्रेक डाउन विल बी अ डेफिनेट स्टॉप लॉस। सो दैट्स इट फॉर सन फार्मा, अभी डजन लुक दैट बैड। आज पता नहीं ऐसा क्या मूव आया है इसमें, आज मैंने ट्रैक भी नहीं किया है। तो अगर कल एकदम क्लियर कट डाउनफॉल ना आए मंडे को, तो देन ओनली लुक इन टू बैंक दिस। अगर क्लियर कट ऐसे मरने लग जाए, ऐसे तड़पने लगे, ऐसे फट 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 करके, तो डोंट गेट इन टू इट।
बड़ी देर से कोई नया व्यूअर नहीं आया, बट द गुड थिंग इज के पहले वाले सस्टेन करे गए, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। चलो दोनों के तीन तीन हो चुके हैं, जस्ट हैव फोर मोर स्टॉक्स लेफ्ट, तो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे एज सून एज पॉसिबल, बट इन डिटेल, इन्फोसिस। टाइम स्टैम्प क्या था अभी? 3:40। ओके, विल हैव टू रिमूव दैट। ओके, एरर फेचिंग चार्ट्स, व्हाट्स द सीन ब्रो? आई होप द इंटरनेट कनेक्शन इज वर्किंग, फॉर सम रीजन द चार्ट इज नॉट लोडिंग नाउ। टाइम भी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट ही खुली हुई हो, इसलिए नहीं चल रहा। स्ट्रीम इज वर्किंग सो माय इंटरनेट इज ओके, द चार्ट हैज लोडेड इन्फी में। ओके, तो द ट्रेंड इज बुलिश यहाँ से दिखता है हमें, और अभी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से दूर ऑपरेट कर, यहाँ से बना लेते हैं तो थोड़ा क्लियर कट रहेगा। हाँ, अभी थोड़ा ट्रेंड लाइन से दूर ऑपरेट कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट एन इशू। एक चीज मुझे और दिख रही थी तो वो मार्क कर लेते हैं। ये तो बेसिकली जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता, विच लुक्स वेरी पॉसिबल, हो सकता है कल ही आ जाए, मंडे को आई मीन, तो फिर दैट्स अ गुड बाय। बट जब तक हम ऐसे नीचे आते हैं, हो सकता है ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लें, तो ट्रेंड लाइन पे ऑल्सो इट कैन बी अ गुड बाय। बट अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहां से ऐसा क्विक मूव मिलेगा। क्विक मूव तो ऑलवेज अप्रिशिएटेड होते हैं। बहुत सिंपल सेटअप है, कुछ खास सोचने का नहीं है। दैट्स द व्यू ऑन इन्फोसिस, ब्रेकआउट मिले बाय। मैंने आज कौन, मैंने आज टेकएम उठाया है, तो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट 1000 टूटा था, 1008 तक गए थे, देन केम डाउन, देन अगेन 1000 आया। तो उसमें क्या हो रहा था, इट वॉन्टेड टू क्रॉस 1000, बट निफ्टी वॉजन सपोर्टिंग, सो आई मेड द अजम्पशन के इट शुड क्रॉस 1000। आई हैव टेकन, मैंने उसको एक रिस्की थोड़ा ट्रेड लिया टेक एम में। आज आई हैव पिक्ड इट अप फॉर द टारगेट ऑफ 1030, 1050 एटलीस्ट, बाकी ट्रेल करके जो मिलेगा लेंगे। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट द रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल, तो मैंने ले लिया। एज लॉन्ग एज इट डजेंट गैप डाउन ऑन मंडे, वी आर गुड। इवन इफ इट डज गैप डाउन, वी आर गुड, बट थोड़ा सा स्टॉप लॉस से बाहर चली जाएगी, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इट्स नॉट एन इशू, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। चलो इन्फोसिस भी देख लिया, विच इज़ द सेकेंड लास्ट टॉप लूजर, ONGC। चलो ONGC को खोल लेते हैं अब। इन्फोसिस का काफ़ी जल्दी हो गया, दैट्स नाइस। आई थिंक ऐसी ऐसी टाइप की वीडियो तो रोज़ करना भी पॉसिबल है, जब जब घर पे हूँ तो डेफिनेट लीक करेंगे इसको। गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यहाँ ड्रॉप कर दो। ये पता नहीं मैं एक वीडियो में कितनी बार बोलता हूँ। लेट्स वेट फॉर द चार्ट टू लोड, तब तक थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। ओह, दैट वाज क्विक। चलो, ये ONGC में हमने उस दिन भी मार्क किया था, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता इट्स अ डेफिनेट अवॉइड। उसके ब्रेकआउट के बाद इनिशियल टारगेट विल बी दिस। अब शॉर्टिंग की बात करें तो शॉर्टिंग एज सच कुछ बढ़िया तो नहीं है अभी, एज लॉन्ग एज वी डोंट ब्रेक डाउन दिस बिलो दिस। उसका ब्रेक डाउन आता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, इफ यू वांट टू शॉर्ट ट्रेल करते रहना। सेकंड विल बी दिस, और अगर ब्रेक डाउन में हम इसको रिक्लेम करने लगे, और इफ द ब्रेक डाउन हैपन्स हेयर, तो ये ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो सपोर्ट वो स्टॉप लॉस के लिए। बट अगर यहीं पे है तो यू हैव टू स्टे कॉशियस। मेरे को एनीवे शॉर्टिंग थोड़ी रिस्की लगती है लॉन्ग्स बनाने से, तो इसका ब्रेक डाउन अगर वॉल्यूम्स के साथ आ जाए दैट्स ग्रेट, वरना एग्जिट कर लेना। जब फॉलो अप आए तब शॉर्ट लेना, तो फिर दैट विल बी द वे टू शॉर्ट इट लॉन्ग्स इसके ऊपर, जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को तोड़ देंगे तब इनिशिएट करने हैं। बाकी ट्रेल करना तो गॉड्स ग्रेस से है ही हम लोगों को, शॉर्ट कर रहे हो लॉन्ग कर रहे हो व्हाटएवर, ट्रेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ट्रेंड लाइन है जो थोड़े लंबे टाइम से
है और उसके पास आए हम ऐसे स्पीड पकड़ने के बाद, तो इसकी काफी इज्जत होनी चाहिए इन माई ओपिनियन। इसके आसपास आ रहा है तो फिर अवॉइड, और जब इन दोनों का ऐसे मिलाप होगा तो यहाँ पर या तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आएगा। और सीइंग द रैली आई एम मोर बायस टुवर्ड्स ब्रेकआउट रादर देन ब्रेकडाउन, बट एनीथिंग इज पॉसिबल, डिपेंड्स ऑन निफ्टी मोर और लेस। तो फिर ONGC को बंद करते हैं बेसिकली। अगर मार्केट बुलिश रही तो फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी उसके ब्रेकआउट आने की, बट एकदम ही स्लम्प में चली गई, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा हाँ करेक्शन इज पेंडिंग, डिसेंट करेक्शन इज पेंडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ऐसे कोई क्रैश नहीं आए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्रैश। ऑल्सो मेरे को लगता है कि यूफोरिया जो अभी चल रहा है मार्केट में, इसकी एक लास्ट वेव आनी बाकी है, तो वो वेव आती है वील कैपिटलाइज ऑन इट एंड देन वील सिट ऑन द साइड लाइन्स। हो सकता है 20% क्वान्टिटी से ट्रेडिंग कंटिन्यू करें, बट मोस्ट मोस्टली मैं साइड लाइन्स पर बैठूंगा उसके बाद, अनलेस द करेक्शन हैपन्स, क्योंकि इस साल का आई हैव बीटन ऑल माई CAGRs एनीवेज, और ये एक फाइनल वेव में कमा लिया तो फिर आई एम सेटिस्फाइड। उसके ऊपर जाने में जाती रहे, मैं मोस्टली साइड लाइन्स पे हूँगा और ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ ETFs के थ्रू करूँगा। तो दैट इज़ वन थिंग आई हैड टू टेल यू गाइस, इफ यू आर स्मार्ट एंड तुम्हें तुम्हें पता चल रहा है कि जो यूफोरिया फेज है ये है, तो फिर तुम लोगों को कुछ ऐसा अपना बना लेना चाहिए एक लेवल। तो फिर विप्रो में क्या हो रहा है, विप्रो में यहाँ पे हमने मोमेंटम पकड़ा था, जनरलाइज ट्रेंड लाइन से हम दूर आ गए थे मोमेंटम के बाद, अभी हम इसको रेजिस्ट कर रहे हैं टॉप को, तो इसका ब्रेकआउट आता है ऑल्सो उसके साथ ये कॉन्फ्लुएंस लेवल हो, मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ हों तो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। इसका भी ब्रेकआउट आता है देन वी कैन इनिशिएट द लॉन्ग्स फॉर प्रीएम्प्टिंग अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, वहाँ का ब्रेकआउट देन एनीवेज ये मोमेंटम वाली ट्रेंड लाइन तो है ही, इसके साथ साथ चलते रहेंगे। इफ यू वांट टू अक्यूमुलेट इट ऐसे थोड़ा सा नीचे करंट प्राइस से, तो वेट फॉर इट, ये ट्रेंड लाइन के आसपास एक अटेम्प्ट बनाना, हो सकता है वी कैन सस्टेन अबव इट, सस्टेन एट इट, बट हो सकता है कि हम ये मोमेंटम बेस्ड फेज को एंड करके रेगुलर ट्रेंड लाइन पे आ जाए, दैट्स अ बिट ऑफ अ पॉसिबिलिटी। तो सोच समझ के इसमें ट्रेड ले सकते हो तुम इफ यू वॉन्ट, अभी के लिए अवॉइड है जब तक आइदर वेज हमें कुछ नहीं मिलता। तो दैट वॉज द लास्ट टॉप गेनर ऑफ द डे, राइट? हाँ, फिफ्थ हो गया, अब फिफ्थ टॉप लूजर कोल इंडिया। ऑफकोर्स कोल इंडिया को ऐसा लगता है कोई प्यार ही नहीं करता, 2 दिन दिखता है लोगों के बाय रिकमेंडेशन में, फिर ऐसे कचड़े में घुस जाता है कोल इंडिया। नथिंग इम्प्रेसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ये सपोर्ट पे हैं अभी। इफ यू वॉन्ट टू लाइक, इफ यू थिंक इट्स वेरी ओवर वैल्यू, तुम्हें लॉन्ग टर्म उठाना है तो अभी के लिए अवॉइड करो, और हमेशा के लिए भी इन माई ओपिनियन। बट इफ यू वॉन्ट टू टेक अ क्विक ट्रेड, ऐसे तुम्हें सही लगती है इसकी वॉलीटैलिटी बढ़िया है, या फिर तुम्हारा कोई गिले शिकवे हैं इसके साथ कि तुम्हें इससे ही पैसा नहीं जोड़ना है, तो फिर एक सेटअप बना देता हूँ। मैं पर्सनली इस सेटअप को नहीं ट्रेड करने वाला, बट अगर है कुछ तुम्हारा तो फिर देख लेना, ये एक सपोर्ट रेंज है, यहाँ पर उठाया जा सकता है, आने वाले टाइम में ट्रेंड लाइन के ऊपर उठाया जा सकता है, और ये जो ऐसे बना है इसके ब्रेकआउट पर उठाया जा सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू शॉर्ट विच आई एम इन हाई फेवर ऑफ, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का वेट करो, बेच खाना अभी ये सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे क्यों नहीं करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कुछ खास नहीं है वहाँ पे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे इसको, तो मैं प्रेफर इसको शॉर्ट करना करूँगा। इफ़ यू आर बाइंग तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये एक रेजिस्टेंस, मतलब ये पूरा ये रेजिस्टेंस जोन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और रेजिस्टेंस बहुत सारी हैं, सपोर्ट बहुत कम रहते हैं, देख लो ना, सपोर्ट इतनी सी रेंज पूरी और रेजिस्टेंस इतनी बड़ी, तो थोड़ा सोच समझ के इसमें ट्रेड करना है इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज हमें यहाँ पे एक और चीज़ सीखती होगा, एक और कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाने को मिला मुझे, तो ये जो पहले अप ट्रेंड की लाइन थी, हम जब गिरे उसको ही रेजिस्ट करके दोबारा गिरना शुरू हुआ, तो आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, अगर ये यहाँ कहीं सपोर्ट करता है, आई एम अज्यूमिंग यहाँ कहीं सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पे ओ इफ इट गिव्स अ ब्रेक डाउन, इस पे सपोर्ट करता है एंड देन रैली कंटिन्यूज, तो हम इस ट्रेंड लाइन पे अटक कर फिर नीचे जा सकते हैं, तो तब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा इसमें।
अभी देखते हैं कहाँ से ऐसे ब्रेकडाउन देके रिवर्स करके देता है। अभी के लिए अवॉइड, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग सेटअप्स फॉर्म हो इसमें, तो तब इसको ध्यान देंगे अच्छे से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज के 10 स्टॉक्स रिव्यू कर लिए हैं हमने, और ये करने में हमको सिर्फ 40 मिनट लगे हैं। तो हमने पूरे हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ता क्या मतलब, वैसे तो मंडे के लिए पूरी पढ़ाई कर ली है सिर्फ 40 मिनट में। सो दैट्स एन इम्प्रेसिव फीट गाइज। इफ यू थिंक दैट वॉज इम्प्रेसिव, डू डू लाइक दिस वीडियो एंड डू ड्रॉप डाउन अ कमेंट बिलो कि तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हैं, तुम्हारे सेटअप्स क्या हैं, वो शेयर करो मेरे साथ। इफ आई हैव एनी कमेंट्स ऑन दोज मैं कमेंट ही कर दूंगा। इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरीज ऑन पर्सनल, ऑन फाइनेंस और बेसिकली स्टॉक रिलेटेड भी, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ डीएम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। जल्दी से जल्दी तुम्हारा ऐसे डाउट क्लियर करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं चलता हूँ, बहुत बहुत देर से बोल रहा हूँ तो पानी भी खत्म हो गया। दैट्स इट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय गाइस।